टर्मिनेशन। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चे, ये क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट क्या है? सो सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो मेल सेक्स होएगा या वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल सेक्स होएगा? तो उस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं बेसिकली बच्चे सेक्स टर्मिनेशन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं, बट समटाइम्स एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट कैन आल्सो डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो दैट मींस देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज द क्रोमोसोमल मेथड दैट इज बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं बच्चे? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये क्या है जी? एलोसोम्स हैं। सो एक्स एंड वाई बेस्ड मेथड है सेक्स टर्मिनेशन का, इसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो हैं वो डिटरमिन करेंगे सेक्स। एंड सेकंड मेथड इसमें है बच्चे एनवायरमेंटल डिपेंडेंट एनवायरमेंट जो है बच्चे, दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस और डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एज इन सम रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल वगैरह हैं, जो कुछ लीजर ऐसी हैं जिसमें एनवायरमेंट डिटरमिन करेगा कि जो एग से हैचिंग होनी है वो मेल इंडिविजुअल की हैचिंग होनी है या फीमेल, या फीमेल इंडिविजुअल ने हैच करना है फ्रॉम एग, डिपेंडिंग अपॉन दी कितने टेम्परेचर पे उस एग को इनक्यूबेट किया गया। टेम्परेचर कितना है उस एग के अराउंड एनवायरनमेंट में जब वो एग ले किए गए, तो उससे मेल भी निकल सकते हैं, फीमेल्स भी निकल सकते हैं। तो ये चीजें बच्चे दोनों हमने देखनी। तो फर्स्ट जो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड मेथड जो है, मेथड ऑफ सेक्स टर्मिनेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट मेथड सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो बेस्ड है बच्चे, जो पहला मेथड है, और वो है एक्स वाई सिस्टम। इसमें पहला है एक्स वाई सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चे आपको एक्स वाई सिस्टम देखने को मिलता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है। जैसे अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल लोगे तो हमारे पास भी एक्स वाई है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स के अंदर जो है बच्चे वो आपको एक्स वाई सिस्टम देखने को मिलता है, बर्ड्स को छोड़ के। तो एक्स वाई सिस्टम जो है उसमें क्या होता है बच्चे, दो सेक्स क्रोमोसोम है हमारे पास। जैसे इन फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो टोटल हमारे पास बच्चे 46 क्रोमोसोम्स हैं। उन 46 क्रोमोसोम्स में ये कंडीशन है 44 प्लस एक्स वाई। फोर्टी फोर आपके पास बच्चे ऑटोसोम्स हैं और एक्स वाई आपके पास एलोसोम है। एक पेयर हमारे पास एलोसोम्स का है, एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास 44 ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोमल पेयर्स हैं, मतलब 22 ऑटोसोम्स के पेयर हैं, और वन पेयर जो है, 22 पेयर्स जो हैं वो हमारे पास ऑटोसोम्स के हैं, वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है।
तो मोस्टली जो ह्यूमंस हैं उसमें ये होता है बच्चे, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम, अगर सेक्स क्रोमोसोम दोनों ये हैं, या ये कंडीशन हो सकती है एक्स वाई, अगर एक्स वाई कंडीशन है तो बच्चे मेल है, अगर एक्स एक्स कंडीशन है तो फीमेल है। मतलब एक पेयर जो है क्रोमोसोम का, एलोसोम्स का, अगर तो वो एक्स एक्स है तो फीमेल है, तो फीमेल का जन्म होगा, अगर वो एक्स वाई है तो मेल का जन्म होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के कंडीशन क्या है, मेल्स आर हेट्रोगेमिटिक, मेल्स जो है बच्चे वो दो तरह के गेमिट्स पैदा करते हैं, फीमेल्स आर होमोगेमिटिक। अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स आर जो मेल्स हैं बच्चे दे आर हेट्रोगेमिटिक, फीमेल्स आर होमोगेमिटिक। हेट्रो और होमोगेमिटिक का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, हेट्रोगेमिटिक मीन्स मेल्स कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमिट्स, गैमेट्स मीन्स स्पर्म, दो तरह के गैमेट्स पैदा करते हैं बच्चे मेल, और फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर जैसे ये एक्स एक्स फीमेल है और ये एक्स वाई मेल है, अगर आपको गैमीट बनाने हो बच्चे, तो हम गैमीट हमें बनाने आते हैं, हम दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग एक एक गैमीट में सेग्रीगेट कर देंगे। ये मान लो चार गैमीट बने, इस एक गैमीट में एक्स और दूसरे गैमीट में भी एक्स, इस एक गैमीट में एक्स दूसरे गैमीट में वाई, तो फीमेल ने जो एग बनाया, जो गैमीट्स बनाए, वो दोनों सेम है, दोनों दोनों के अंदर क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स है, तो दोनों होमोगेमिट्स हैं, सेम टाइप ऑफ एग्स हैं। फीमेल जो भी एग प्रोड्यूस करेगी उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा हमेशा, फीमेल के पास हमेशा क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, और मेल के जो स्पर्म हैं वो हेट्रोगेमिट हैं, दो टाइप के हैं, एक में एक्स है गैमीट में, दूसरे में वाई है। जो स्पर्म सेल्स हैं उसमें कुछ स्पर्म सेल जो हैं, मान लो 50% स्पर्म सेल के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% स्पर्म सेल के पास वाई क्रोमोसोम होगा। तो मेल्स कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल्स जो हैं वो दो अलग टाइप के गैमीट्स जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो दैट इज वाई फीमेल जो हैं वो होमोगेमेटिक हैं बच्चे, और मेल्स जो हैं वो हेट्रोगेमेटिक हैं। तो दैट मींस मेल्स हैं बच्चे जो रिस्पॉन्सिबल हैं मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल चाइल्ड पैदा करने के लिए, क्योंकि फीमेल ने तो एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करने हैं। फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स, दैट इज एक्स एक्स। फीमेल ने हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एक एग रिलीज करना है वो हमेशा एक्स वाला करना है। फीमेल ने जो गैमीट और एग प्रोड्यूस करती है, एग प्रोडक्शन जो है, ऑलवेज प्रोड्यूस गैमीट और एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम।
तो फीमेल ने बच्चे जो गैमीट प्रोड्यूस किए, ये एग प्रोड्यूस किए, दोनों एग्स में क्या है, मान लो दो एग प्रोड्यूस किए, हालांकि एक ही एग प्रोड्यूस करती है फीमेल, बट जितने भी एग प्रोड्यूस करेगी अपनी लाइफ टाइम उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होएगा, और मेल जो हैं अगर वो गैमीट पैदा करेंगे, एक एक्स वाला प्रोड्यूस करेगा, एक वाई वाला करेगा। अगर इसकी हम फ्यूजन करवाएं, इनकी जैसे हम पोनेट स्केयर बनाते हैं, तो मेल के गैमीट एक साइड लिखोगे, जब आप फीमेल के गैमीट एक साइड लिखोगे, फीमेल के गैमीट तो एक ही जैसे हैं, इधर मैंने फीमेल के गैमीट लिख लिए, इधर मेल के गैमीट है एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्स के साथ, ये एक्स एक्स के साथ, ये एक्स वाई के साथ, ये एक्स वाई के साथ, मतलब ये है कि ये दोनों फीमेल पैदा होंगी, ये दोनों मेल पैदा होंगी। बट मेल का कौन सा गैमीट फ्यूज कर रहा है? अगर तो मेल से एक्स आकर इस एक्स के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल चाइल्ड पैदा होगी, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम वाला गैमीट आके, स्पर्म आके, मान लो मेल का वाई वाला स्पर्म आके जैसे यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, तो मेल चाइल्ड पैदा होगा। तो फीमेल का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, फीमेल तो एक ही टाइप का एग प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज एक्स। फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ एग, it is male who is heterogametic, produces two different types of gametes, and depending upon the which gamete reaches to the egg first, that will fuse with the egg and form the zygote, aur zygote mein xx hona hai ya xy hona hai wo yahan pe depend karega ki x wala sperm pehle pahunch gaya iske paas ya y wala sperm iske paas pehle pahunch gaya। probability to charon ki hai, 50% female paida ho sakte hain, 50% male paida ho sakte hain jab bhi fertilization honi hai, बट उसमें से पहले कौन पहुंच गया, पहले कौन सा गैमीट जो है वो एग के तक पहुंच गया। अगर तो एक्स वाला गैमीट पहले पहुंच गया तो एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। अगर वाई वाला पहुंच गया तो एक्स वाई हो जाएगा, मतलब मेल चाइल्ड पैदा होगा। तो दैट मींस इट इज मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल और अ गर्ल चाइल्ड। तो ये मेल्स हैं बच्चे जो रिस्पॉन्सिबल हैं। और ऐसा क्या है बच्चे कि अगर किसी जायगोट में, जैसे यहाँ पे जायगोट बना, आपने एक्स वाला स्पर्म लिया, एग लिया, और वाई वाला स्पर्म है, अगर ये फ्यूज होंगे तो जायगोट बनेगा एक्स वाई, और अगर एक्स वाला एग है और एक्स वाला ही स्पर्म है, अगर ये दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जायगोट बनेगा एक्स एक्स। ये दो जायगोट बनेंगे बच्चे। अब इन दो जायगोट में ऐसा क्या हो गया कि एक क्रोमोसोम बदलने से कि ये जायगोट जो है वो बॉय चाइल्ड को जन्म देगा और ये जो जायगोट है ये गर्ल चाइल्ड को जन्म देगी। जायगोट तो जायगोट है, बस सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का फर्क है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स है। तो मतलब ऐसा क्या है, उसके पास एक्स वाई वाले के पास, कि वो जो है इस जायगोट को बॉय चाइल्ड में ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं इस जायगोट से, जब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन जेनेसिस होगी, तो ऑर्गन्स में मेल वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होंगे। इस जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, तो ऑर्गन जो बनेंगे वो गर्ल चाइल्ड के बनेंगे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप होंगे। फर्क क्या है, सिर्फ एक क्रोमोसोम का, इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है, बस इसमें वाई है और इसमें दूसरा एक्स है। वाई क्रोमोसोम जो है बच्चे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। अगर जिस भी जायगोट में या जिस भी एम्ब्रियो में वाई क्रोमोसोम होगा, वो वाई क्रोमोसोम हमेशा डेवलप होगा मेल में, बिकॉज वाई क्रोमोजोम जो है वो मेलनेस का क्रोमोजोम है, वो मेल के करेक्टर्स डेवलप करता है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम के ऊपर कुछ मेलनेस के जीन्स होते हैं। सो दैट मीन्स इट इज वाई क्रोमोजोम हैविंग जीन्स
फॉर मेलनेस। वाई क्रोमोजोम बहुत छोटा क्रोमोजोम है, सबसे छोटा क्रोमोजोम हमारे क्रोमोजोम्स के बीच में अगर देखें हम तो स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम है, बट इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स है और ज्यादातर जो जीन्स है वो मेलनेस की है। वाई क्रोमोजोम के ऊपर बच्चे एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एस आर वाई। वाई क्रोमोजोम हैव एस आर वाई, इस रीजन को हम बोलते हैं बच्चे सेक्स डिटर्मिंग रीजन वाई। वाई क्रोमोजोम की एक छोटे से पार्ट को बोला जाता है बच्चे एस आर वाई। एस आर वाई जो है उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिंग रीजन वाई, और वाई क्रोमोजोम के इस रीजन पे एस आर वाई रीजन पे आपको जीन्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं TDF, जहां एस ये कह लो कि एस आर वाई रीजन एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज TDF, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर। तो जो एस आर वाई रीजन है बच्चे, एस आर वाई रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम, ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस अ फैक्टर कॉल्ड TDF, दैट इज टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर। तो अगर वाई क्रोमोजोम है तो मतलब एसआरवाई है तो टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर है, अगर टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर है तो टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा वो जो जायगोट बना है, जैसे ये बच्चे जायगोट है, आज इसमें एक्स वाई है, इस जायगोट ने आगे डेवलप करना है, एक से दो सेल होने हैं इसके, इस सेल में भी एक्स वाई, इस सेल में भी एक्स वाई, दो से इसके चार सेल बनने हैं, चारों सेल में एक्स वाई, यहाँ पे माइटोसिस से डिवाइड करता है जायगोट आपका, हमेशा एम्ब्रियो बनाना है जायगोट ने बच्चे ग्रो करके, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, जितने भी सेल बनेंगे इसके, हर सेल में आपको इसके एक्स वाई जीन जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। दो टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, एट से ये ग्रो करता करता बहुत बड़ा एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो जब ऑर्गन्स की सिंथेसिस करेगा तो ये जो वाई क्रोमोजोम है, क्योंकि इसके हर सेल में वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम के ऊपर एस आर वाई रीजन है, एस आर वाई रीजन प्रोड्यूस करेगा TDF, तो वो बोलेगा इसको कि भाई टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर है इसके पास कि टेस्टिस बना दो, तो ये ऑर्गेनोसिंथेसिस के अंदर क्या करेगा, टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा। अगर इस एम्ब्रियो में टेस्टिस प्रोडक्शन हो गई दैट मीन्स इट विल बी अ मेल मेल चाइल्ड। वाई क्रोमोजोम का होना या ना होना ये तय करता है कि वो एम्ब्रियो, हालांकि शुरू में एम्ब्रियो जो है चाहे वो जायगोट है, चाहे वो एक्सएक्स वाला है, चाहे एक्स वाई वाला है, इसको हम बोलते हैं कि ये जो जायगोट है बच्चे ये बाइसेक्सुअल होता है, ये मेल चाइल्ड में भी डेवलप हो सकता है, फीमेल चाइल्ड में भी डेवलप हो सकता है, बट वो बात ये है कि क्या यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम है या वाई है। अगर वाई है तो ये जायगोट मेल चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स होता, अगर यहाँ पे जायगोट जो है एक्स एक्स वाला जायगोट होता, ये भी उसी तरीके से डिवाइड करता, दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से हजारों सेल बनते हैं, मैंने सिर्फ एट सेल स्टेज तक आपको दिखाया है, बट एट सेल स्टेज पे जाके ये तय नहीं होता, तो क्योंकि यहां पे नो वाई क्रोमोजोम, इस जायगोट में कोई वाई क्रोमोजोम नहीं है, दैट मीन्स नो एस आर वाई रीजन, कोई एस आर वाई रीजन नहीं है, दैट मीन्स नो TDF फैक्टर, तो इस एम्ब्रियो में कोई भी TDF फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स टेस्टिस विल नॉट डेवलप।
तो टेस्टिस को डेवलप करने के लिए टीडीएफ चाहिए, बट ओवरीज जो है वो अपने आप ही डेवलप कर जाती हैं, उसके लिए कोई फैक्टर नहीं चाहिए। सो ओवरीज विल डेवलप, सो दैट मींस इट इज ए गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड में एक्स एक्स का होना मतलब वाई की एब्सेंस में गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाएगी। एक्स एक्स ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ऐसा नहीं कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर गर्ल जो है फेमिनिज्म के जो है वो जीन्स हैं कि उसने फीमेल चाइल्ड को जो है वो जन्म करवाया है जब वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरीज के डेवलपमेंट के लिए। वाई की एब्सेंस में गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाएगी, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल जो है वो पैदा हो जाएंगे। वो क्यों है? क्योंकि वाई के ऊपर एसआरवाई रीजन होता है, एसआरवाई रीजन एक टीडीएफ फैक्टर प्रोड्यूस करता है, टीडीएफ फैक्टर जो है वो टेस्टिस की डेवलपमेंट करवाता है, टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी तो टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया तो क्योंकि टेस्टिस अगर बनेगी तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन बनेगा और टेस्टोस्टेरोन करवाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट। जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी और ओवरीज जो हैं, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये क्या करवाती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट। मतलब ये कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए, अगर ओवरीज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बन गई तो वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराता है और टेस्टोस्टेरोन जो है अगर टेस्टिस बन गई तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ह्यूमंस के अंदर बच्चे इस तरीके से सेक्स टर्मिन होता है विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई सिस्टम ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, हम इसको बोलते हैं दैट इज द फर्स्ट सिस्टम, एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमंस और मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स में ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें बच्चे बर्ड्स की, तो बर्ड्स के केस में बस क्रोमोसोम का नाम चेंज किया है, एक्स एक्स की जगह पे हम वहां पे बोलते हैं जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू सिस्टम। अगर हम बर्ड्स की बात करें, सेकेंड सिस्टम जो है, अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स टर्मिन हो रहा है तो इन बर्ड्स जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू सिस्टम, बस सिर्फ बच्चे हमने एक्स एक्स को और एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया, एक्स एक्स की जगह पे समझ लो आपने जेड जेड लिख दिया, बस सेक्स क्रोमोसोम का नाम बदल दिया यहाँ पे बर्ड्स के केस में, एक्स वाई को जेड डब्ल्यू बोल दिया। बट यहाँ पे एक चीज उल्टी है, हमारे केस में मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं, दो टाइप के गेमेट्स पैदा करते हैं, एक एक्स वाले स्पर्म पैदा करते हैं, एक वाई वाले स्पर्म पैदा करते हैं, और हमारे केस में फीमेल जो होती है वो होमोगेमेटिक होती है क्योंकि वो दोनों जितने भी एग प्रोड्यूस करेगी अपनी पूरी लाइफ वो हमेशा सिर्फ एक्स वाले एग ही पैदा कर पाएगी। बट यहाँ पे उल्टा है, इस केस में फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक होती है और मेल्स आर होमोगेमेटिक। दैट मींस इन दिस केस जेड जेड जो इंडिविजुअल है वो मेल्स हैं और ZW जो है वो फीमेल है। कुछ नहीं किया बच्चे हमने, ये सेक्स क्रोमोसोम ही हैं, ZZ एंड ZW, बस बर्ड्स के केस में हमने XX की जगह पे उनका नाम बदल दिया, XY की जगह पे ZZ कर दिया और ZW कर दिया। अब दूसरी चीज जो उल्टी है इनके अंदर जो अलग है हमसे, यहाँ पे मेल्स आर होमोगेमेटिक और फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। दैट मींस इन दिस केस
फीमेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी कि आगे मेल चाइल्ड पैदा होगा कि गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, क्यों? क्योंकि मेल ने जो गैमीट बनाने हैं, अगर हम मेल के गैमीट बनाएंगे तो मेल तो जितने भी स्पर्म पैदा करेगा उसमें जेड जेड ही होगा, जेड जेड वाली करेगा। अब फीमेल जो है वो दो टाइप के एग पैदा कर सकती है, एक एग होगा जेड वाला, एक एग होगा डब्ल्यू वाला। अब अगर तो ये स्पर्म और ये एग फ्यूज हो गए तो जेड जेड, मतलब जेड जेड क्या है, मेल पैदा होगा। और अगर ये जेड और ये डब्ल्यू आपस में फ्यूज हो गए तो जेड डब्ल्यू, दैट मीन्स फीमेल पैदा होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो टाइप के गैमीट फीमेल पैदा कर रही है। अगर फीमेल के मेल का तो स्पर्म एक ही जैसे हैं, कि ऑल स्पर्म्स हैविंग जेड क्रोमोसोम। अब ये मेल का स्पर्म अगर एग जेड वाले एग के साथ फ्यूज हो गया जाके तो मेल पैदा होगा, मेल वाला जायगोट बनेगा। किसी बच्चे को, कोई बच्चे कंफ्यूजन है? ये क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, बस कुछ नहीं किया बच्चे, हमने जेड जेड की जगह पे जेड डब्ल्यू लिखा है। सो इन केस ऑफ बर्ड्स जो है वो ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो एक्स एक्स की जगह पे जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, फीमेल्स आर हेटरोगैमेटिक, दैट मींस फीमेल्स कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स और एग्स, मेल कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग हैविंग जेड क्रोमोसोम। तो वहां पे हमने लिखा था कि जो फीमेल है, हमारी फीमेल जो ह्यूमंस की है, वहां पे फीमेल्स आर होमोगैमेटिक बिकॉज फीमेल प्रोड्यूसेस एग विद, ऑलवेज प्रोड्यूसेस एग विद एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल्स कैन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म, 50% of sperm are having X chromosome and 50% of sperms having Y chromosome. So it depends upon the situation ki which chromosome reaches to the egg first, कौन सा chromosome सबसे पहले टच कर गया जाके egg को, next जो generation में जो आने वाला individual है उसका sex जो है वो उसी point पे तय हो जाएगा जिस time पे जाके sperm fuse हो गया, चाहे वो X वाला हुआ Y वाला हुआ, उसके बाद जो है वो sex को आप change नहीं कर सकते। तो इसके अलावा बच्चे अगर हम देखें सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर बच्चे जो सेक्स डिटरमिनेशन का सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स एंड एक्स नॉट सिस्टम। इंसेक्ट्स के अंदर जो सेक्स टर्मिनेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। इंसेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्स एक्स एंड एक्स नॉट सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चे, फीमेल जो है वो एक्स एक्स है, एंड मेल्स जो हैं वो एक्स नॉट, मतलब मेल में एक ही एक्स होगी दूसरी एक्स नहीं होगी, और वाई क्रोमोसोम इनमें होता नहीं है। सो दैट मींस मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स एंड एक्स नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। तो फीमेल प्रोड्यूस करेगी गैमीट्स की अगर हम बात करें एक्स एक्स, मेल भी जो है वो हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि एक में कुछ होगा ही नहीं एक्स और दूसरे में एक एक्स होगा। अब अगर तो ये एक्स इस एक्स के साथ आ गई तो जायगोट बनेगा एक्स एक्स वाला, और अगर ये एक्स इसके साथ आ गई तो एक्स नॉट, दैट मींस ये जो जायगोट बने हैं, ये जो जायगोट है ये फीमेल को जन्म देगा, ये जो जायगोट है ये मेल को जन्म देगा। सो दैट मींस यहां पे जो सिस्टम है वो एक्स एक्स एंड एक्स नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स टर्मिनेशन आपको देखने को नजर आ रहा है।
तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं बच्चे, जहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिसमें एक अलग ही सिस्टम है सेक्स टर्मिनेशन का। इनके अंदर टोटली डिफरेंट सिस्टम ऑफ सेक्स टर्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम। नेक्स्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, फोर्थ सिस्टम, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स विल डिटरमिन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये किस में होता है बच्चे? ये भी इंसेक्ट्स में, और एक सी एलिगेंस नाम का निमेटोड है उसमें आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल आपको ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, हालांकि ड्रोसोफिला में एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, बट इसमें वाई क्रोमोसोम का कोई लेन देन नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी फीमेल में वाई क्रोमोसोम है तो वो फीमेल जो है, जो वो जो इंडिविजुअल है वो मेल ही होगा, या वो मेल फ्लाई ही होगा। जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है उसकी फीमेल में भी वाई क्रोमोसोम हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम काम ही नहीं करता। वहां पे एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम का कोई लेन देन नहीं है, वहां पे सिस्टम चलता है रेशियो क्या है भाई एक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोम्स के कंपेरेटिव। वो तय करेगी कि इस इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो मेल होने वाला है या फीमेल, इरिस्पेक्टिव कि उसमें वाई प्रेजेंट है कि नहीं है, मैटर ही नहीं करती। वाई है तो भी कोई मैटर नहीं है, वाई नहीं है तो भी क्यों मैटर नहीं है, क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला में अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, पर वाई क्रोमोसोम यहाँ पे मेलनेस के लिए होता ही नहीं है। वहां पे हम देखते हैं कि क्या सिस्टम है, वहां पे क्या है बच्चे, रेशियो है। आपने क्या करना है, एक साइड एक्स क्रोमोसोम लिख लेना है, हमें रेशियो निकालनी है, दूसरी साइड हमें ऑटोसोम्स के सेट लिख लेने हैं कि कितने सेट हैं। तो यहां पे हमें एक्स की ऑटोसोम्स के साथ रेशियो निकालनी है, और फिर ये आपका डिटरमिन करेंगे कि क्या सेक्स है उस इंडिविजुअल का। अगर मान लो किसी फीमेल में बच्चे तीन एक्स क्रोमोसोम है, यहां पे बच्चे एक बात और, जो ड्रोसोफिला है या सी एलिगेंस, इसमें क्रोमोसोम का नंबर फिक्स नहीं होता है कि एक्स क्रोमोसोम भाई दो ही होंगे। एक्स क्रोमोसोम किसी फ्लाई में तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में एक होते हैं, मतलब